जलचर प्रवाह पावि प्रस्तरी घरे वलंब्य लंबिताम्बुजंगम कपालिकाम जटाकटाह संभ्रमक्त मन्मलिंतनचरितिरोलवीचि वल्लरी विराजमानमोदरतगतगतगज्वलललाटकट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिभूमिक्षरम् पहुंच गए थे, एक्चुअली शाम को पहुंच गए थे 4:30 बजे के आसपास। उसके बाद केदार बाबा के दर्शन किए बाहर बाहर से, अंदर तो गए नहीं, और थक इतने ज़्यादा गए थे कि आप सोच नहीं सकते यार क्या थकाई होती है ना। मतलब इतना मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं थका, और यू नो ना कि पूरा रास्ता हमने नंगे पाँव, और उसके बाद मतलब इतनी हिम्मत हमारी हुई नहीं। खैर केदार बाबा की दुआ से पास में ही हमको रूम भी मिल गया, एंड रूम का रेंट था 3500। हम 4 लोग रहे रूम में, अभी आपको दिखाऊंगा जब हम चेकआउट करेंगे। उसके बाद हम, आप यकीन मानो, हमें लगभग 3 से 4 घंटा लगा अपनी बॉडी को गर्म करने में, क्योंकि पैर हमारे इतने ज़्यादा जम चुके थे। बट कोई नहीं, उसके बाद 3 से 4 घंटा हमको लगा। शाम की आरती हमने नहीं ली क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी, और फिर अभी हम सुबह उठे लगभग 5 बजे के आसपास। उसके बाद अभी हमने दर्शन किया, टाइम हो रहा है 7:40 के आसपास, तो 7:40 के आसपास, 7:50 के आसपास हमने केदारनाथ में पूजा कर ली है, एंड पंडित जी के थ्रू हमने पूजा करवाई है। 1100 रुपये में उन्होंने पूजा की है, बहुत ही अच्छी विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा की है। और एक सेकंड भैया, धन्यवाद। बाकी अभी भैरवनाथ जाने का इरादा था, लेकिन बर्फ़ इतनी ज़्यादा जमी हुई है ना, तो बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे फिसल रहे हैं, और हमारी हालत अभी ऐसी है कि हम चल भी नहीं पा रहे हैं। अभी तो हमने फ़िलहाल शूज़ पहन लिए हैं, लेकिन यू नो इतना ज़्यादा अभी पेन हो रहा है ना, अभी हम ये सोच रहे हैं हम नीचे कैसे उतरेंगे। अभी पूजा हुई तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पिछली बार हमारा ऐसे ही हो गया था, बट इस बार बहुत ही अच्छे से हमने पूजा अर्पण करवाया है। बस बाकी अभी चाय वाय पियेंगे, उसके बाद देखेंगे यार। और बाकी यहाँ पे मोदी जी आने वाले हैं 5 तारीख को, तो उसकी तैयारियाँ यहाँ पे चल रही हैं, तो बीच में कुछ वो बैरियर वगैरह लगा रहे हैं। बाकी भीड़ यहाँ पे अच्छी खासी है, और हम सुबह लाइन में लगे थे तो हमें लगभग 30 मिनट्स वेट करना पड़ा, उसके बाद हमारा नंबर आ गया था। लेकिन जो अभी जो लाइन है उसमें लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। ओके, तो चांसेस तो है कि हाँ आज भैरव बाबा के दर्शन को जाएंगे, थोड़ी धूप आ जाए, बर्फ़ पिघल जाए, उसके बाद देखते हैं। बाकी मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, अभी ठंड यहाँ पे -6 -7 डिग्री तक चला गया था रात को, गूगल तो -11 भी दिखा रहा था, बट शायद वो गलत था, -7 डिग्री तक तो हमने देखा है यहाँ पे पहुँच गया था। बाकी अभी चाय वाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। देख सकते हो लाइन कितनी लंबी है, ठीक है, आपका आराम से 2 से 2.5 घंटा आपको लगने वाला है यहाँ पे, क्योंकि हम जब थे तो लाइन बहुत छोटी थी और हमको लगभग आधा घंटा लगा है। और जहाँ तक ये लाइन अभी लग रखी है ना, ये आराम से इनका नंबर 12 बजे तक ही आएगा जो वहाँ पीछे अभी लगे हुए हैं। तो भैया अगर आप यहाँ पे आओ तो जल्दी सुबह उठ के लाइन में लग जाओ। तो भैया ये खच्चर चलते रहते हैं तो ये थोड़ा सा डर रहता है। चले भैया, तो ये चल रहा है अभी बढ़िया।
तो भाई अब निकलते हैं नीचे के लिए और टाइम हो रहा है 11:30 बजे। अब 11:30 बजे हम नीचे जाने के लिए रेडी स्टार्ट कर रहे हैं अपना, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेंगे। प्लान तो है आज श्रीनगर पहुँचे, पर पैरों के दर्द को देखते हुए अगर नीचे उतर जाए सही टाइम पे तो वही ठीक रहेगा। चलो बाय बाबा केदार बाबा हर हर महादेव। और ये भैया इस तरह से ये रेलिंग लगाई हुई है यहाँ पे क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं, इस वजह से लग रही है। बाकी यार अभी नीचे निकलते हैं फिर देखेंगे। सुकून भरी वादियों में जो भूख लगती है ना, तो यहाँ और कुछ नहीं मिलता सिवाय इसके मैगी। सो इट्स डे 4 एंड करेंटली मैं हूँ श्रीनगर में और सुबह का हो रहे हैं लगभग 9:40। कल हम चढ़ाई हमने उतरी और 11:30 बजे हमने उतरना शुरू किया। उसके बाद वीडियो बनाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी क्योंकि पैर बिल्कुल जवाब दे चुके थे। और अभी श्रीनगर पहुँचे थे हम कल रात। कल हमने चढ़ाई भी उतरे हम, ठीक है, पूरा हमने ट्रैक 16 किलोमीटर का कंप्लीट किया। उसके बाद 5 किलोमीटर ट्रैकर में बैठे। उसके बाद अब हमें लग रही थी भूख और हमने नहीं खाया था बहुत दिनों से अच्छा खाना। अब हमें खाना था देखो बढ़िया सा खाना, ठीक है, और बढ़िया से होटल में रुकना था जहाँ पे हमको गीज़र मिल जाए या फिर गर्म पानी मिल जाए, बस सिर्फ हमारा ये था। अब गुप्तकाशी में जो जितने भी होटल्स थे वहाँ पे जो पानी मिलता है ना वो 100 रुपये बाल्टी के हिसाब से मिलता है, जिसमें कुछ नहीं होता, जिसमें मज़ा नहीं आता, ठीक है, उबलता हुआ पानी भी नहीं होता वो। तो यार हम 8 बजे के आसपास से हमने बाइक चलाना शुरू किया और हमने गुप्तकाशी क्रॉस कर लिया, हमने रुद्रप्रयाग क्रॉस कर लिया और हम सीधा यहाँ आए श्रीनगर में, ठीक है। हमारा प्लान नहीं था कि हम श्रीनगर में आए, सोचा था रुद्रप्रयाग में रुकेंगे या फिर गुप्तकाशी में देखेंगे, बट ऐसा कोई होटल मिला नहीं वहाँ पे। बट हुआ ये 8 बजे से हमने गाड़ी चलाना शुरू किया और हम लगभग 12:45 बजे रात को श्रीनगर पहुँचे और फिर यहाँ पे हमने खाई पनीर की सब्ज़ी, दाल मखनी और रोटियाँ और बाय गॉड मज़ा आ गया। श्रीनगर चीप तो है ही होटल, ये हमको जो मिला है ये 1500 रुपये में मिला है, होटल हैप्पी होम। और ये चीप के साथ साथ यहाँ पे फैसिलिटी बहुत, मतलब बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है। तो मैं आपको एक बार रूम टूर करा देता हूँ। ऑलराइट, कुछ ऐसा है, एक डबल बेड इधर दिया हुआ है, दूसरा डबल बेड इधर दिया हुआ है, ये एक अलमीरा दी हुई है, बाकी ये खाने पीने के बैठने के लिए 4 चेयर भी दी हुई है इन्होंने। और कमाल की बात ये है कि आप रूम देखो कितना बड़ा है, ये तो कितना बड़ा रूम है। उधर छत पे जाने का रास्ता है जहाँ पे हम अभी गए थे, इधर एसी भी दिया हुआ है, पंखे भी दिए हुए हैं, बाथरूम में ये रॉड भी दी हुई है। तो ये इस तरह से बाथरूम है, ये यहाँ पे हमने रात भर गर्म पानी किया है, बहुत मज़े किए हमने गर्म पानी से। और बाकी एक टीवी भी दिया हुआ है जिसमें केबल चल रहा है, ठीक है, एसी हो गया। तो भाई रूम देख लो कितना बड़ा रूम है ये। और ये है वो बाहर वाला आंगन जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ था। जब केदारनाथ से उतर रहे थे तो थकाई इतनी ज़्यादा लग रही थी कि आप यकीन नहीं मान सकते हम किस तरह से उतरे। और 11:30 बजे हमने उतरना शुरू किया और हम 4 बजे तक सिर्फ 8 ही किलोमीटर उतर पाए थे। और उसके बाद ना मतलब एक तो ऐसा हो गया था कि यार बस उतरना है, आज उतरना है और किसी तरह बस नीचे जाना है, गर्म पानी तो आज चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। और फिर 4 बजे के बाद हमने अपनी स्पीड बढ़ाई और उसके बाद हम 7:30 बजे बिल्कुल नीचे आ चुके थे, ठीक है। तो आधा रास्ता जो हमारा शुरू के 8 किलोमीटर थे वो बहुत ज़्यादा, हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया उसमें, बट लास्ट में जो हम उतरे वो हम बहुत ज़्यादा फास्ट उतरे क्योंकि पैरों में अभी छाले पड़े हुए हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े छाले, इतने मोटे मोटे छाले हैं। और हिमांशु एंड अभिषेक के 2 वो छाले फट भी गए हैं मेरे और प्रेरणा के अभी, ठीक है, और नंगे पैर हमसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा। तो हम शूज़ पहन के उतरे हैं और मतलब इतना ज़्यादा पेन ना मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं करा कि मैं इतने पेन में भी इतने घंटे चल सकता हूँ। और यही हाल हम तीनों का है, हम चारों का है कि हम इतने पेन में भी इतना चल गए। तो ये ना प्राउड फील होता है इस चीज़ से। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार नंगे पैर क्यों जा रहे हो, ये है वो है। देखो क्या होता है ना, हम क्यों गए नंगे पैर, उसके पीछे सिर्फ एक छोटा सा रीज़न था और वो रीज़न ये था कि हम अपनी लिमिट्स चेक कर रहे थे कि यार क्या हम चढ़ सकते हैं। क्योंकि जब मैंने देखा था ना किसी को नंगे पैर चढ़ते हुए तो उस टाइम ये आया यार क्या मैं चढ़ सकता हूँ। और फिर हमारा ये था कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो नंगे पैर चढ़ेंगे। और हम नंगे पैर चढ़े, हम बर्फ़ में नंगे पैर हुए,
और बहुत सारे लोग हमको देख रहे थे, काफ़ी सारे लोगों ने हमसे बात की सॉरी काफ़ी सारे लोगों ने हमसे बात की और उनका सिर्फ यही कहना था कोई मन्नत मांगी है तो बेटा नंगे पैर क्यों चल रहे हो, बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। और देखो जब आप नंगे पैर चलते हो इतना डेडिकेशन के साथ अगर आप जाते हो इतने डेडिकेशन के साथ जब आप जाते हो ना तो सब चीज़ बहुत अच्छी होती है। हमें मंदिर के बिल्कुल पास में रूम भी मिल गया, ठीक है, और हम ऊपर गए, हमको जाते ही वहाँ पे अमृत भी मिल गया। वहाँ पे अमृत कुंड है, उस अमृत कुंड से हमको वहाँ पर अमृत भी मिल गया एकदम जाते ही। और सुबह हमारी अच्छे से पूजा भी हो गई पंडित जी के थ्रू और बहुत सारी बातें करी हमने उनसे, आपदा से पहले की बातें करी, आपदा के बाद की बातें करी, वो सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो अभी का प्लान ये है कि लगभग 9:45 हो रहे हैं, 10:30 बजे तक यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद आगे हमारी एक पुरानी शॉप है जहाँ पे हम पिछली बार रुके थे, वहाँ पे मस्त चाय पियेंगे, पकौड़ियाँ खाएंगे, उसके बाद सीधा देवप्रयाग वाले रास्ते से अपने घर पहुँचेंगे। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा है इस बार का, थोड़ा सा पेनफुल रहा है बट बहुत मज़ा आया, और एक्सपीरियंस जो मिला है ना वो मतलब आप सोच भी नहीं सकते। अब मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, अगर कोई बोले यार क्या डेयरिंग किया है, तो हाँ भैया हमने नंगे पैर केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ी है, वो भी बर्फ़ में। तो यार अब ये डेयरिंग चीज़ हमारी एक एक्सपीरियंस में आ गई। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस गाइस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उस पर उसे सोच के ना बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर सकते हो। तो ये चीज़ें क्या होती है ना, ये चीज़ें आपका आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस बढ़ाती है कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। तो जस्ट सिर्फ यही था कि हमें किसी को प्रूफ नहीं करना था कि हम कुछ कर रहे हैं, बट खुद के लिए कि हाँ हमने सोचा था यार हम चढ़ पाएंगे, और हमने चढ़े और हमने वो कंप्लीट किया, अपनी पूरी जर्नी हमने कंप्लीट करी, पैरों की हालत चाहे कैसी भी हो बट अब फाइनली एक्सपीरियंस हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो अब यहाँ से निकलते हैं 10:30 बजे के आसपास, फिर चाय पानी पियेंगे और फिर सीधे घर, और यहाँ पे हो जाएगा ये केदारनाथ सीरीज़ का दी एंड। ऑलराइट, सो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, और आगे भी कहीं ना कहीं घूमने का प्लान हम करते रहेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं यार। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, लव यू, ख्याल रखिए अपना, और हाँ लाइफ में एक्सपीरियंस करते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। सो अभी पहुंच चुके हैं हम देवप्रयाग में जहाँ पे बनती है गंगा, और मैं सीधा अब आपको ना ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ यहाँ के, तो चलिए देखते हैं ड्रोन शॉट्स।